पीटीआई के रहनुमा अलीम आदिल शेख ने कहा है कि हम नौजवानों को मुफ्त हेलमेट फराहम करेंगे ताकि नौजवानों की जानें महफूज रह सकें, और ये मुहिम सियासत नहीं खिदमत के जज्बे से शुरू कर रहे हैं जिसमें मेरा एक रुपया भी नहीं लगा। ये भी नौजवान अब्दुल रहमान ने 5000 हेलमेट जमा किए हैं जो पुलिस के हवाले किए जा रहे हैं, इसके बाद मजीद 5000 हेलमेट देंगे। ये मुहिम शुरू हो गई है, मुखीर हजरात भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें। आज का काविश का सारा सेहरा मैं इस नौजवान को दूंगा, अब्दुल रहमान खान को, जो मेरे दाएं पे खड़ा है। ये एक नौजवानों का एक ग्रुप था जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ परचम पाकिस्तान तहरीक शुरू की थी 2004-5 में। बच्चे थे ये जब 14 अगस्त को और दीगर 23 मार्च को परचम गिरते उठाते थे। 2006 में उसी परचम को उठाते हुए दो बच्चों ने, जो इसके साथी थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और वो दोनों हलाक हो गए। हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जब से इस बच्चे ने, अब्दुलरहमान गरीब है, गरीब एक मजदूर है, ये इसने एक मुहिम शुरू की और आज मैं खुशगवार, मुझे हैरत हुई जब ये आज से एक हफ्ते पहले मेरे पास आया। इसने कहा कि हलीम भाई, मेरे पास 5000 हेलमेट में मेरे पास ले चुका हूँ, मैं 5000 का बयाना दे चुका हूँ इंशाल्लाह, और आप आएँ। मैंने इसमें एक हेलमेट का एक रुपये मेरा नहीं है। इसने कहा आप आएँ ताकि इसको मैसेज जाए, और हम चार्ज की ख्वाहिश है कि पूरा 13 करोड़ लोगों को हेलमेट पहुँचे, चूँकि ये दो जो शहीद बच्चे हैं, जो बेचारे हलाक होने वाले बच्चे थे उसको, और ये अच्छा कॉज था। तो मैंने फिर DIG ट्रैफिक साहब से बात की, SSP साहब से बात हुई, और हम इंशाल्लाह 5000 हेलमेट इस वक्त मौजूद हैं, 10000 का टारगेट है, और उसके बाद इंशाल्लाह जब दाखिल हो गया हूँ इंशाल्लाह मैं अपील करता हूँ, आइए इस तहरीक में शामिल हो। और मैं अपील करता हूँ, और मैं कहूँगा DSP साहब भी करेंगे और अब्दुलरहमान भी बात करेगा, कि देखिए किसी की जानें बहुत कीमती हैं, अक्सर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बगैर हेलमेट के, कुछ तो ले नहीं सकते और कुछ इसकी अहमियत को नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि हेलमेट सबको पहनना चाहिए, और इसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, अब्दुलरहमान के जज्बे को, कि ये एक पाकिस्तान का बच्चा है, ये एक परचम के लिए निकला था और आज हेलमेट की तहरीक चला रहा है। मैं इसलिए आया हूँ कि इसके कॉज को मैं हाईलाइट कर सकूँ, और आज हम हेलमेट बांट रहे हैं इंशाल्लाह। पहले फेज़ में ये 5000 हेलमेट तकसीम किए जाएंगे, उसके बाद 5000 और तकसीम करेंगे, और अब जब हम आ गए हैं तो इंशाल्लाह मैं इस तहरीक का हिस्सा बन चुका हूँ। लीड हमें ये कर रहा है, हम इसके वर्कर हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम ख्वाहिश है कि पूरे सबको हेलमेट दिए जाएं। ये बड़ी अच्छी कोशिश है अलीम अल शेख साहब की, और जो उनके साथ अब्दुलरहमान साहब हैं, कि लोगों को हेलमेट दे रहे हैं, मुफ्त तकसीम कर रहे हैं जो ख़रीद नहीं सकते हैं, क्योंकि रोड पर यूज़र जो है वो जब रोड पर बाइक चलाते हैं स्लिप होते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हेड इंजरी जो है बहुत ही ख़तरनाक होती है, जिससे कई लोगों की मौत हुई हैं। तो इसमें काफ़ी जो है बचत होगी, लोगों की जो हेड इंजरी से बचेंगे और अपनी जान बचाएंगे।